अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इब्राहिम ऑटो इलेक्ट्रिशन में कुछ आमदीद। आज ये गाड़ी देख सकते हैं, टोयोटा फील्डर है, हाइब्रिड है। तो गाड़ी में एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कस्टमर की कंप्लेंट है कि रिमोट मेरी जेब में होता है, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। तो मैं आपको पहले एक दफ़ा स्टार्ट करके देखता हूँ। ये साइन देख सकते हैं आप, ये ब्लिंक कर रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी चेक करने वाली है इसमें, कि जब भी आपके पास रिमोट होगा और आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो यहाँ पे एक चाबी का साइन आता है, वो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये एरर आ रहा है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे चाबी का साइन आएगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये रिमोट लेके आप इसको बटन के पास जाएंगे तो देख सकते हैं आप, ये स्विच ऑन हो गया इसका। तो इस तरीके से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें तीन चीज़ें होती हैं चेक करने वाली जब भी गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट आता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है इसका ये रिमोट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसका रिमोट का सेल वीक है नहीं है, वो आप खोल के मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। अगर 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट दे रहा है फिर तो सही है, अगर उससे कम दे रहा है तो इसका मतलब सेल आपका वीक है, तो सेल को आप चेंज करें। तो अभी आप भी देख सकते हैं मैंने इसका सेल खोला हुआ है, तो सेल को मैंने चेक करा, इसका सेल बिल्कुल डाउन बता रहा था। तो सेल मेरे पास अभी नया है, तो देख सकते हैं मैं इसका सबसे पहले इसका सेल चेंज करूँगा। सेल चेंज करने से इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला मसला तो सेल का ही आता है। सेल डालेंगे इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर ये सेल डालने से ना भी होती तो फिर हम इसके जो है एंटीना से एंटीना जो बोलते हैं जिसको सेंसर एंटीना सेंसर होता है वो चेक करेंगे। इसका एक इनसाइड एंटीना होता है, एक आउटसाइड एंटीना होता है, तो वो दोनों चेक करेंगे। अगर वो दोनों भी सही हैं तो फिर हम उसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग इसकी VCM तक चेक करनी पड़ती है, इंशाल्लाह ओके हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, चाबी अभी है, चाबी का निशान भी आ गया जो वीडियो के शुरू में नहीं आ रहा था। इस चाबी के निशान से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सेल वीक है या कोई मसला है या कोई एंटीना कॉइल। अगर एंटीना कॉइल इसकी ख़राब होगी तो इसमें चेक लाइट का कोड आ जाएगा, और अगर इसका बैटरी सेल वीक होगा तो ये चाबी का निशान आप देख सकते हैं ये गायब हो जाएगा। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि बैटरी का सेल वीक है इसका। तो वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी सेट हो गई है, चाबी का निशान भी आ गया और गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो गई है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।